नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे किंग मिडास एंड हिज डॉटर, राजा मिडास और उसकी बेटी। यहाँ आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं? तो आप कहेंगे पिक्चर में एक लड़का है और उसके हाथ में ये चिराग है, लैम्प है। पुराने ज़माने में जो लैम्प है वो इसी तरह का होता था। अगला प्रश्न है, हैव यू हर्ड द स्टोरी अलादीन एंड हिज मैजिक लैम्प, क्या आपने अलादीन और उसका जादुई चिराग यह कहानी सुनी है? बताइए आपने सुनी है या नहीं सुनी। तीसरा प्रश्न है, इफ यू गॉट द मैजिक लैम्प व्हाट वुड यू विश टू गेट, अगर आप मैजिक लैम्प जादुई चिराग को प्राप्त कर लेते हैं तो आप क्या क्या प्राप्त करना चाहेंगे? तो आप सोचिए और बताइए, अगर आपके पास जादुई चिराग हो तो आप क्या क्या इच्छाएं अपनी पूरी करना चाहेंगे। चलिए अब आगे पाठ को पढ़ते हैं। किंग मिडास लिव्ड एंड रूल्ड ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले राजा मिडास रहते थे जो शासन करते थे। देयर वर ओनली टू थिंग्स दैट ही लव्ड, उन्हें केवल दो चीजों से ही प्यार था। वन वाज हिज लवली डॉटर, एक थी उनकी प्यारी बेटी, एंड द अदर वाज गोल्ड, और जो दूसरी चीज थी वह थी सोना। इन दो चीजों से उन्हें बहुत प्यार था। ही हैड रूम्स एंड रूम्स फिल्ड विद द थिंग्स मेड ऑफ गोल्ड, उनके पास कमरे ही कमरे थे जो सोने की बनी हुई वस्तुओं से भरे हुए थे। बट ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, परंतु वे कभी भी संतुष्ट नहीं हुए। ही ऑलवेज वॉन्टेड मोर गोल्ड, वे हमेशा अधिक से अधिक सोना प्राप्त करना चाहते थे। वन डे, एक दिन, ए स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी व्यक्ति, केम टू हिज पैलेस, उनके महल में आया, एंड आस्क्ड, और उसने पूछा, ओ किंग, ओ राजा, हे राजा, आर यू ए हैप्पी मैन, क्या तुम एक खुश व्यक्ति हो? नो, सेड किंग मिडास, किंग मिडास ने कहा, नहीं, आई वॉन्ट मोर गोल्ड, मैं और अधिक सोना चाहता हूं। आई विल गिव यू ए गिफ्ट, मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा, सेड द स्ट्रेंज मैन, अजनबी व्यक्ति ने राजा से कहा। फ्रॉम नाउ ऑन, अभी से, Everything you touch, जिस किसी चीज को भी तुम छुओगे, will turn into gold, वह सोने में बदल जाएगी। The king was very pleased, राजा बहुत खुश हुआ। He went around touching things, वह आसपास की वस्तुओं को स्पर्श करता गया, and they turned into gold, और वे सोने में बदलती गई। Whatever he touched, जिस किसी चीज को भी उसने छुआ, जैसे कि chairs, tables, कुर्सियां, मेज, curtains, पर्दे, vases, फूलदान, flowers, फूल, turn into gold, ये सभी सोने में बदल गई। He was very happy, वह बहुत खुश हुआ। Then he sat down to eat his lunch. तब वह दोपहर का भोजन करने के लिए बैठा। But as soon as he touched his food, परंतु जैसे ही उसने अपने भोजन को छुआ, it turned into gold. वह भी सोने में बदल गया। यहाँ राजा को थोड़ा सा दिमाग लगाना था।
राजा जी अगर आप किसी और से कह देते तो वो आपको भोजन खिला देता, आपने क्यों छुआ भोजन को। चलिए आगे पढ़ते हैं। ही ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उसने पानी पीने की कोशिश की, बट द वाटर टू टर्न इन टू गोल्ड, परंतु पानी भी सोने में बदल गया। ही गॉट अप फ्रॉम द टेबल हंगरी एंड थर्स्टी, वह भूखा प्यासा ही टेबल से उठ गया। बिना खाना खाए और बिना पानी पिए वह खाना खाने की टेबल से उठ गया। किंग मिडास रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। जस्ट देन, तभी हिज लिटिल डॉटर कम इन टू द रूम, तभी उनकी छोटी बेटी कमरे में आई, एंड रस्ड टू हिम, और उनकी तरफ भागी। बिफोर द किंग कुड स्टॉप हर, इससे पहले कि राजा उसे रोक पाते, सी हग्ड हिम एंड लो, इससे पहले कि राजा उसे रोक पाते वह उनके गले लग गई, और लो देखते ही देखते सी वंस टर्न इंटू ए स्टैचू ऑफ गोल्ड, और वह देखते ही देखते सोने की मूर्ति में बदल गई। किंग मिडास वेप्ट, राजा मिडास रोए, एंड वेप्ट, बहुत रोए, बट देयर वॉज नथिंग ही कुड डू, परंतु अब वह कुछ नहीं कर सकते थे। द स्ट्रेंजर कम अगेन द नेक्स्ट डे, अगले दिन अजनबी व्यक्ति फिर से आया। यू मस्ट बी वेरी हैप्पी नाउ, उसने कहा, ही सैड, उसने कहा, यू मस्ट बी वेरी हैप्पी नाउ, अब तो तुम बहुत खुश होंगे। बट द किंग सॉक हिज हेड सैडली, परंतु राजा ने उदासी से अपना सिर हिलाया। नो ही सैड, और कहा, नहीं, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग आई लव्ड, मैंने सब कुछ खो दिया है जिसे मैं प्यार करता था। आई हैव रियलाइज्ड माई मिस्टेक, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। द स्ट्रेंजर वॉज ए काइंड मैन, अजनबी एक दयालु व्यक्ति था। ही सैड, उसने कहा, ब्रिंग वाटर फ्रॉम द रिवर, नदी से पानी लाइए, एंड स्प्रिंकल इट ऑन एवरीथिंग, और इसे सब चीजों पर छिड़क दीजिए। यू विल गेट बैक एवरीथिंग यू हैव लॉस्ट, तुमने जो कुछ खोया है वह सब तुम्हें वापस मिल जाएगा। किंग मिडास क्विकली फेच्ड वाटर फ्रॉम द रिवर, राजा मिडास जल्दी से नदी से पानी ले आए। फर्स्ट ही स्प्रैंकल्ड इट ऑन हिज डॉटर, उन्होंने इसे सबसे पहले अपनी बेटी पर छिड़का। एंड सी कम टू लाइफ, और वह फिर से जीवित हो गई। देन ही स्प्रैंकल्ड इट ऑन एवरीथिंग अराउंड हिम, फिर उसने इसे आसपास की सभी वस्तुओं पर छिड़का, पानी को जो वो नदी से लेके आए थे। ही गॉट बैक हिज फूड एंड वाटर टू, उन्हें अपना भोजन और पानी भी वापस मिल गया। ही वॉज रियली हैप्पी नाउ, अब वह वास्तव में सच में खुश थे। ही थैंक्ड द स्ट्रेंजर हार्टली, उन्होंने दिल से अजनबी व्यक्ति का धन्यवाद किया। तो ये हमारा पाठ था। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर आप लालच करोगे तो आप उन सभी चीजों को खो दोगे जिन्हें आप प्यार करते हैं।
चलिए अब हम इस पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले है मिलान करो, यहाँ पे हमें मैच करना है, मिलान करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है किंग मिडास वाज, तो राजा मिडास ए वेरी ग्रीडी मैन, एक बहुत ही लालची आदमी थे। उसके बाद है ही वंस गॉट, उन्हें एक बार क्या मिला, ए स्ट्रेंज गिफ्ट, एक अजीब उपहार मिला। आगे है वट एवर ही टच्ड, जिस किसी को भी उन्होंने छुआ टर्न्ड इनटू गोल्ड, वह सोने में बदल गया। डॉटर ऑफ किंग मिडास, राजा की बेटी, टर्न्ड इनटू ए स्टैचू ऑफ गोल्ड, राजा की जो बेटी थी वह सोने की मूर्ति में बदल गई। अंतिम है सून द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड किंग मिडास लव वेरी मच, राजा मिडास किसे बहुत अधिक प्यार करते थे। आंसर है किंग मिडास लव्ड हिज डॉटर एंड गोल्ड वेरी मच, वह अपनी बेटी को और सोने को बहुत अधिक प्यार करते थे। अगला प्रश्न है हु केम टू द किंग्स पैलेस, राजा के महल में कौन आया। आंसर होगा ए स्ट्रेंज मैन केम टू द किंग्स पैलेस, एक अजनबी व्यक्ति राजा के महल में आया। अगला प्रश्न है वाई वाज किंग मिडास एन अनहैप्पी मैन, राजा एक उदास व्यक्ति क्यों थे। आंसर होगा किंग मिडास वाज एन अनहैप्पी मैन बिकॉज ही ऑलवेज वांटेड मोर गोल्ड, वह एक उदास व्यक्ति थे क्योंकि वे हमेशा अधिक से अधिक सोना प्राप्त करना चाहते थे, इसी कारण से वो उदास रहते थे। अगला प्रश्न है व्हाट गिफ्ट डिड द स्ट्रेंजर गिव टू द किंग, अजनबी व्यक्ति ने राजा को क्या उपहार दिया। आंसर होगा द स्ट्रेंज मैन गिव द गिफ्ट दैट एवरीथिंग ही टच्ड वुड टर्न इनटू गोल्ड, अजनबी व्यक्ति ने उन्हें उपहार दिया कि वे अब से किसी भी वस्तु को छुएंगे तो वह सोने में बदल जाएगी। अगला प्रश्न है व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग टच्ड एनीथिंग, जब राजा ने किसी भी चीज को छुआ तो क्या हुआ। आंसर होगा When the king touched anything, it turned into gold. जब राजा ने किसी भी वस्तु को छुआ तो वह सोने में बदल गई। अंतिम प्रश्न है Why did King Midas thank the stranger again at the end? राजा ने अंत में अजनबी व्यक्ति का फिर से धन्यवाद क्यों किया। आंसर होगा He thanked the stranger because he got बैक एवरीथिंग ही हैड लॉस्ट, उन्होंने अजनबी व्यक्ति का धन्यवाद किया क्योंकि उन्हें वे सब चीजें वापस मिल गई थी जिनको उन्होंने खो दिया था। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अन्य विद्यार्थियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।